आगरा शहर को अपनी मेट्रो की सौगात मिल चुकी है और आज शहरवासियों के लिए मेट्रो खुल चुकी है। लोग पहली राइड करने के लिए आए हैं। देखिए ये तमाम हमारे साथ जो लोग हैं जो तो मेट्रो का लुफ्त उठाने आए हैं। भैया मेट्रो मिल गई, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे आगरा मेट्रो में? जी जी। हाँ, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? अपनी ड्यूटी पे से आए हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं। अच्छा, और ये आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा है? अच्छा लगा। कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? हम ड्यूटी से आए हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, इसी से करेंगे मेट्रो से। आप बताइए, आप फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ? जी, बच्चे को लेकर आए। कहाँ से आए? सर हम आए हैं सुखाबाद से। सुखाबाद से? और मेट्रो में पहली बार बैठे हैं आगरा वाले? पहली बार बैठे हैं, पहले आज ही स्टार्ट हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये बताइए कैसी लगी देखते ही? देखते सर पहली बार देखी, काफी अच्छी लगी, एकदम स्मूथ, काफी साफ सफाई है, सब कुछ अच्छा है, भीड़ भी कम है, अभी नहीं खुली है इसलिए। टिकट को लेकर क्या कहेंगे प्राइस टिकट का? टिकट का ठीक है, बिजली घर से लेकर के लास्ट तक 20 रुपए टिकट है। दिल्ली वाली मेट्रो, उसकी फीलिंग आ रही है कि नहीं? नहीं, दिल्ली में मैं गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इसमें तो दिल्ली से भी मुझे लगता है अच्छी आ रही होगी। तो ये तमाम लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते रहेंगे और उनके अनुभव साझा करते रहेंगे। बेहतरीन ऑप्शन मिल गया आपको ऑटो की बजाय मेट्रो में जाने का। पहले तो ये बताइए कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं? सर हमको जाना है मनका महेश्वर। मनका महेश्वर, महादेव मंदिर के दर्शन करने? हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये बताइए तो पहले कैसा लग रहा है कि आपकी खुद की मेट्रो है अपने पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा फील हो रहा है। जी सर दिल्ली में थी? हाँ, आगरा में है। आगरा में? बिल्कुल। क्या सर कैसा लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मनका महेश्वर से पूर्वी गेट के लिए आए थे और केवल मेट्रो को देखने के लिए आए थे। पहली बार आगरा में मेट्रो आई है दिल्ली के बाद, और दिल्ली में अच्छा लगता था तो आगरा में पहली बार आई है तो हमारे लिए एक प्राउड फील है। बच्चे को भी साथ में लाए? बिल्कुल, बच्चे का बहुत शौक था, इंतजार कर रहा था बहुत घड़ियों, तो उसकी गंदी घड़ियां खराब खत्म हुई। कल भी आया था, कल इसको मेट्रो मिल नहीं पाई थी, उसको सुबह लेके आए। क्या नाम है आपका? आराध्य। आराध्य कौन सी क्लास में? कैसा लग रहा है मेट्रो? अच्छा लग रहा है। क्या बोले थे पापा से कि मेट्रो में जाना है? मैं कभी मेट्रो में नहीं। अच्छा, आज मेट्रो में बैठे हैं, मजा आ रहा है। देखिए बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को, और तमाम ये लोग भी हैं, इनसे भी और बात करेंगे और पूछेंगे मेट्रो का सफर उनको कैसे लगा। कई लोग सारे तो सेल्फीज भी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है मेट्रो में बैठ? बढ़िया लग रहा है, पहली बार बैठे आगरा में। बताइए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मलकामेश्वर। अच्छा, ये बताइए आम दिनों में ऑटो से सफर करते थे, अब मेट्रो में जा रहे हैं तो कितना बदलाव दिखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फी भी खींच रहे हैं। हाँ, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? मनकामेश्वर। क्या नाम है? आशीष। खूब फोटो खींचे? कैसी लग रही है साफ सुथरी मेट्रो? अच्छी लग रही है, गंदा तो नहीं करेंगे इसे? नहीं करेंगे। देखिए तमाम जो वो लोग हैं शहरवासी हैं, ताज नगरी वासी हैं, जो अब खुद की मेट्रो में बैठकर प्राउड फील कर रहे हैं, और जो लोग अब तक केवल ऑटो से जाते थे अब वो मेट्रो से। मेट्रो के सफर पर अब तमाम टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो ताजमहल देखने के हों, चाहे फिर वो मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ ये नेपाल की पूरी फैमिली है जो कि इस खूबसूरत मेट्रो का दीदार करने के लिए आई है, पहली बार इसके साक्षी बनी है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रमिला आचार्य। कहाँ से आई हैं आप? मैं नेपाल से, बुटोल से आई हूँ। फर्स्ट लुक आपने मेट्रो का देखा? फर्स्ट एक्सपीरियंस। बता दीजिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओ, हमने ताज एक्सप्रेस सोचा था कि लास्ट स्टेशन है मनकामेश्वर मंदिर है, अगर उससे आगे कुछ होता तो हम उधर से भी जाते। अभी मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करके आया? उधर मंदिर के दर्शन किया और उधर से रिटर्न हो रहे। दिल्ली की मेट्रो के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आगरा की मेट्रो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और हम तो बहुत लकी है कि कल उद्घाटन हुआ और आज हमको मौका मिल गया चढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सरकार को, यहाँ के गवर्नमेंट को, UPMRC जिसने रेल बनाया, ये मेट्रो बनाया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेपाली में कहना चाहती हूँ कि एकदम धेरै धन्यवाद छ यहाँको सरकारलाई। यानी कि सरकार को धन्यवाद कर रहा है। आप बता दीजिए क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मैं नेपाल से आया हूँ, मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, नेपाल में अभी मेट्रो फिलहाल नहीं है, आगरा में आपने पहले दिन ही मेट्रो का आनंद ले लिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है, हमको तो नेपाल में भी ये बनना चाहे नेपाल सरकार ने ये देख के सीखे एंड नेपाल में भी बनाए, नेपाल एकदम टूरिस्ट एरिया है,
वहाँ भी ये चल सकता है। यूपी में और खासतौर पर आगरा में विकास दिख रहा है, एकदम मैं आगरा में बहुत ज्यादा विकास दिख रहा है। आज से 10 साल पहले यहाँ एकदम दुर्गंध ही दुर्गंध थी, वेरी विकास दिख रहे थे। मुंबई आप बताइए कैसा लग रहा है मेट्रो में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आगरा मेट्रो की आप हम सफर बनी है? हाँ पहली बार ही। तो यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नेपाली में कह दीजिए, नेपाली में कह दीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गया, मेट्रो मेट्रो चलाने से बहुत सुविधा मिल गई। आप बता दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद भारत गवर्नमेंट का और इस राज्य को। अच्छा लग रहा है आपको आगरा में? बहुत बहुत, मेट्रो में बैठ विकास का एक नमूना है या तहत सबसे ज्यादा भरपूर मजा और स्पेशल आइटम है ये मेट्रो रेल। मित्र राष्ट्र हमारे नेपाल से आए हैं और इन्हें बेहद अच्छा लग रहा है, उन्होंने आगरा की लोकल अथॉरिटीज का और यूपी सरकार का बहुत धन्यवाद किया है कि सरकार ये विकास कर रही है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।